आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज आवाज में एक विशेष अतिथि हम सबके लिए मिलिंद अवसरमोल, अम्बेडकर राइट एक्टिविस्ट है। इंटरनेशनल लेवल पर जहाँ जहाँ पर बाबा साहब का काम करना है और बाबा साहब की जो कम्युनिटी है, मतलब बाबा साहब की कम्युनिटी, मतलब वो कम्युनिटी जो समतावादी आंदोलन के लिए अपने आप को झोंक देती है, वो समानतावादी आंदोलन के लिए जो समर्पित लोग हैं पूरे वैश्विक स्तर पर, उन सब के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना और एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके और अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा सके, ऐसे एक अम्बेडकर राइट एक्टिविस्ट इस समय हमारे साथ हैं, मिलिंद अवसरमोल। आज का आवाज़ विशेष उन्हीं के साथ आप तक पहुँचाने का ये प्रयास। सर जय भीम। जय भीम, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या चल रहा है इंटरनेशनल फिनोमेना में? काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही है, काफ़ी एक्टिविज़म चल रहा है। पिछले 10-15 सालों में काफ़ी गति आई है अम्बेडकरिज्म को इंटरनेशनल सिनेरियो में। अच्छा, तो फिलहाल मतलब ताज़ा खबरों में तो ये बात है कि अभी इस सैटरडे को ब्रांडेस यूनिवर्सिटी में हर साल अम्बेडकर कॉन्फ्रेंस होता है, अम्बेडकर जी के काम के ऊपर, तो कई सारे स्कॉलर्स आते हैं, 3 दिन का कॉन्फ्रेंस होता है। तो उस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबा साहब का स्टैचू वहाँ पे स्थापना होगा। मतलब ये जो 14 अप्रैल और बाबा साहब की जो जयंती है 126वीं, इसका अवसर देखकर? जी हाँ, इसी के अवसर के उपलक्ष्य में हो रहा है। अच्छा। वैसे होता तो हर साल है, लेकिन मूर्ति की स्थापना 126। अच्छा, आपका काम एक्चुअल किस क्षेत्र में चल रहा है? अनेक क्षेत्र में चल रहा है। वैसे चैलेंजेस तो कई डायमेंशन से आते हैं। अच्छा। तो हर चीज़ में करना होता है। आज के लिए एक बड़ी बात है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाना होता है, वो काबिलियत होते हुए भी मार्गदर्शन के अभाव से जा नहीं पाते, तो वो कमी हम दूर करना चाहते हैं। हमने एक ग्रुप बनाया है जो कि बहुत पर्टिकुलर, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ पहले कि आप कम्युनिकेशन पूरे विश्व में किस तरह कर रहे हैं? अभी तो मीडिया इतना सक्षम हो गया है और हमारे लोग भी इतने सैवी हो गए कि व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए और भी जो मीडिया है उसके ज़रिए काफ़ी अच्छा कनेक्टिविटी हुआ है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय में जो एक्टिविस्ट हैं अम्बेडकर राइट्स, सो दे आर वेल कनेक्टेड, उनका अपना कनेक्शन काफ़ी अच्छी तरह और उनका अपना नेटवर्क भी है। उनका अपना नेटवर्क भी है, बिल्कुल। अच्छा, तो अभी स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं वहाँ? स्टूडेंट्स के लिए जैसे मैंने कहा कि एक तो मार्गदर्शन के अभाव से उनका आना मुश्किल हो जाता है, तो हम मार्गदर्शन दे रहे हैं। एक बहुत ही डेडिकेटेड ग्रुप बनाया बड़ा मेंटर्स का। अच्छा। तो वो ग्रुप इसी में लगा होता है कि इट्स ए ओपन फोरम फॉर एनीबडी हु एस्पायर्स टू कम टू द US फॉर हायर स्टडीज़, एंड देन वी असाइन मेंटर्स टू सच पीपल, वी गिव देम ऑल द डायरेक्शन, ऑल द हैंड होल्डिंग दैट्स रिक्वायर्ड। क्या पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए ये स्टडी है? जी नहीं, ये तो हर चीज़ के लिए ओपन है। अच्छा, एवरी एस्पेक्ट दैट यू कैन कम टू द US फॉर स्टडीज़, तो किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम का ही नहीं कि कंप्यूटर्स के लिए है या मैकेनिकल के लिए, जहाँ पे भी स्कोप है US में, तो हर चीज़ के लिए। तो हमारे जो मेंटर ग्रुप है वो हर ग्रुप में से आते हैं, वो हर सेक्शन में से आते हैं। क्या ये सिर्फ इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए हैं या फिर मेडिकल, मैनेजमेंट, इकोनॉमी? हर चीज़ के लिए, इनफैक्ट ह्यूमैनिटीज़ पे ज़्यादा जोर है, ज़्यादा मतलब इंजीनियरिंग पे तो जोर है ही, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ पे भी जोर है, क्योंकि वहाँ पे जितना ज़्यादा उच्च शिक्षित लोग आएंगे, PhD वगैरह होंगे, तो ज़्यादा अच्छी तरह अपने सवालों को हल ढूंढ पाएंगे और उसको अच्छी तरह पब्लिसाइज भी कर पाएंगे। लेकिन आप तो बरसों से ये काम कर रहे हैं, आप क्या देखते हैं, कितना फीडबैक आया है इससे? बहुत अच्छा फीडबैक आया है। हम देख रहे हैं कि हमने जब ये उपक्रम शुरू किया तभी अच्छा रिस्पांस था, लेकिन जिस तरह रिस्पांस बढ़ रहा है, जिस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, नए नए बच्चे आ रहे हैं, उनकी आकांक्षा है, मतलब जितना एनर्जी क्रिएट हो रहा है, और अमेरिका में जो मेंटर्स है उनका भी जोश जिस तरह से बढ़ रहा है, तो दिस प्रोग्राम इज़ डेफिनेटली। अच्छा, आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि जो बच्चे पढ़ते हैं अमेरिका में या फिर फॉरेन स्टडीज़ लेते हैं, वो लौट कर भारत आते हैं या फिर विदेशों में बस जाते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। कुछ लौट के आते हैं, कुछ विदेशों में बस जाते हैं। विदेशों में बस के भी
उनका अम्बेडकरिज्म जो एक्टिविज्म है, अभी आज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हमको हर स्तर पे अम्बेडकरिज्म या हमारी जो स्ट्रगल है उसको ले जाना है. तो इट इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ कमिंग बैक टू इंडिया, एंड बिकॉज इन इंडिया वी हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव लॉट ऑफ एक्टिविज्म, वी नीड जस्ट द कनेक्टिविटी विद व्हाट्स हैपनिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो जैसे यूएन पे करना है तो इंडिया आके नहीं कर सकते हम, जैसे अमेरिकन मीडिया को तुमको प्रभावित करना है क्या हो रहा है यहाँ पे, एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं, वो हम इंडिया में रह के नहीं कर सकते. जैसे तुम्हें अपने और लोगों को वहाँ ले जाना है एजुकेशन के लिए या जॉब्स के लिए, वो वहाँ रह के ज़्यादा हो सकता है. तो हमारी वहाँ एक प्रेजेंस होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारा यहाँ पे एक्टिविज़म. तो वहाँ पे प्रेजेंस होके एज लॉन्ग एज यू आर कमिटेड एंड डेडिकेटेड टू द एक्टिविज़म दैट्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, दैट्स व्हाट वी आर एस्पायरिंग. लेकिन जब ये बच्चे जब वहीं रुक जाते हैं या फिर फॉरेन स्टडी करने के बाद फिर वहीं जॉब करते हैं, वहीं रह जाते हैं, भारत में इन चीज़ों को लागू करने के लिए या फिर भारत की परिस्थितियों को बदलने के लिए फिर इनका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ पाता है? आई वुड डिसएग्री विद दैट, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है, क्योंकि ये लोग वो किस वे में आता है? वो इस वे में आता है कि जो व्यक्ति यहाँ से वहाँ उच्च शिक्षण के लिए गया, वहाँ पे मान लो स्थित हो गया, तो अपने और फैमिली मेम्बर्स को प्रभावित करता है. वो अमेरिकन वैल्यू सिस्टम, जैसे बाबा साहब अमेरिका गए, वहाँ से उन्होंने आज़ादी क्या होती है इसकी पहले खुली सांस ली, आज़ादी क्या ली. तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो दुनिया है, वो दुनिया को हमें अपने यहाँ के लोगों को दिखाना है, उनको एहसास कराना है कि दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड इज़, और वो सिर्फ किताबों में से नहीं आएगा. तो अभी हम जब वहाँ पे जाते हैं, स्थित होते हैं, तो हम वहाँ से हमारे भाइयों को बहनों को यहाँ पे मार्गदर्शन देते हैं, मेलजोल होता है, आना जाना होता है, एक नई दुनिया के साथ ताल्लुक बढ़ता है, एंड दैट इज़ व्हाट गिव्स आवर मूवमेंट अ अपर एज, एन अपर एज. यहीं रह के हमें वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा जो वहाँ रह के मिलना चाहिए. प्लस हमारे जो चैलेंजेस है, हमारे जो विरोधी पक्ष है, उनका वहाँ पर बहुत बड़ा स्ट्रांग प्रेजेंस है. तो उनके इन्फ्लुएंसेस वहाँ पे, जैसे कैलिफोर्निया टेक्सबुक की मैं मिसाल दूंगा थोड़ी देर बाद, तो उनके जो भी वहाँ पे कार्य है जो हमारे लिए मारक है, जो हमारे लिए विच गोज अगेंस्ट अस, तो उनको भी शह देने के लिए वहाँ एक प्रेजेंस होना ज़रूरी है. तो बात यह है, मुद्दे की बात है कि वहाँ तुम स्थित हो लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी बिता रहे हो एक अमेरिकन की तरह, मतलब यू आर कम्फर्टेबल इन योर लग्जरी एंड दैट्स ऑल दैट यू आर डूइंग, देन इट्स अ वेस्ट दैट वी जस्ट कैनॉट condone. But if you are being there and putting your full force into the Ambedkarism movement, whether it's going to the UN, या तुमको और लोगों को प्रोत्साहित करना है, या तुमको अगर वहाँ पे कुछ बातें हो रही है तुम्हारे इंटरेस्ट के खिलाफ इस देश में और वहाँ पे आवाज़ उठाना है, then I think your presence in America makes sense. मतलब ये जो वैश्विक स्थिति पूरे विश्व में जो निर्माण हुई है इसका उसमें एक फ़ायदा हो रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं? जी हाँ, एक ग्लोबलाइजेशन का दौर है. तो ग्लोबलाइजेशन में तुम कुछ चीज़ों से एस्केप नहीं कर सकते, यू विल बी अंडर द ग्लोबल इन्फ्लुएंस. लेकिन जो यहाँ का डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ का जो आंदोलन है, यहाँ का जो भेदभाव है, अगर इस भेदभाव के खिलाफ अगर यहाँ नहीं लड़ा जाता है तो क्या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के पास आप लोग सब मिलकर कुछ अपनी फरियाद लगाते हैं? बिल्कुल. अभी मैं मिसाल के तौर पर, बहुत अच्छा मुद्दा निकाला आपने, जब खैरलांजी हुई थी तब हम ज़्यादा तादाद में नहीं थे यूएस में, कुछ ही लोग थे, मतलब ये बहुत पुरानी बात है, तो तभी भी हम वहाँ जाके हमने मोर्चे निकाले थे और वहाँ जाके हमने निदर्शन किए थे. उसके बाद जावखेड़े जब हुआ तो जावखेड़े में करीब 200 लोगों ने, फैमिलीज़ ने, पूरे अमेरिका से आके एक साथ यूएन के सामने हमने मोर्चा निकाला, एक निषेध मोर्चा निकाला, यूएन को पिटिशन दिया, इंडियन काउंसलेट को पिटिशन दिया. तो इंडिया में जो भी हो रहा है वो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना जहाँ तक मुमकिन है हम कर ही रहे हैं. प्लस हमने ऊना में जब हुआ था, ऊना का कांड जब हुआ था, तो ऊना का कांड होता तो अमेरिका में 7 जगह पे मोर्चे निकले थे एक साथ, एंड वी वर अट्रैक्टिंग द लोकल मीडिया, अमेरिकन मीडिया, जस्ट टू इम्प्रेस अपॉन देम व्हाट्स गोइंग ऑन, क्योंकि हमारा वहाँ प्रेजेंस ही ये कर सकता है. इंडिया में रह के तुम कितना भी सोचो कि हम यूएन को प्रभावित करेंगे, वहाँ के लोकल मीडिया को करेंगे, वहाँ के पॉलिटिशियंस को करेंगे, तो कर नहीं पाएंगे. क्या वहाँ के जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है वो इस आंदोलन के साथ जुड़ते हैं? हम आकर्षित करते हैं इस जरिए और उन तक ये पहुँचाते कि असलियत क्या है, क्योंकि वहाँ पे भारतीय, इसका क्या परिणाम क्या आया है? इसका परिणाम इस तरह है कि वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस है, वहाँ के जो
लोकल अमेरिकन्स है, और यूएन में जब हम ऐसा करते हैं तो अभी हमको यूएन में इतना तो पहल हो चुकी है कि वी कैन नाउ डिस्कस विद दिस विद द ऑफिशियल्स, एंड दिस इज़ व्हाट बाबा साहब वांटेड टू डू, टू टेक आवर इश्यू इंटरनेशनली एट द यूएन लेवल. आई मीन दैट वाज समथिंग ही वाज वेरी स्ट्रांगली एस्पायरिंग फॉर, अनफॉर्चुनेटली डिडंट हैपन, ऐसे हुआ नहीं. तो उसी काम को एक गति मिलती है, एक वी गो टू द, क्या वहाँ की जूरी यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलवाती है? वहाँ की जूरी तक तो बात पहुँचती नहीं है कोई, मतलब अनलेस वी गो इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ द जूरी विल नॉट बी इन्वॉल्व. सो इट इज़ नॉट अ लीगल बैटल दैट वी आर फाइटिंग एट द इंटरनेशनल लेवल. क्या इस तरह से कोई पहल होती है? यस, मैं आपको एक मिसाल दूंगा, कैलिफोर्निया टेक्स्ट बुक की मिसाल दूंगा मैं, और ये बहुत एक अहम बात है. तो मुझे दो तीन मिनट में एक नैरेटिव देता हूँ कि कैलिफोर्निया एक राज्य है यूएस में जिसमें उन्होंने अपने टेक्स्ट बुक में अभ्यासक्रम में एक ऐसा मुद्दा डाला था हिंदुओं के बहकावों में आकर कि जाति प्रथा जो है वो एक अच्छी प्रथा है और उसका उदात्तीकरण किया था. और जबकि पूरा प्रभाव वहाँ पर हिंदुओं का है, सनातनी हिंदुओं का है, मनुवादियों का है, तो इसलिए उन्हें पता नहीं था कि ये सच है या नहीं, तो उन्होंने डाल दिया. और जब ये हमारे देखने में आया तो हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, पिटीशन दिया, एक लीगल पिटीशन दिया. तो उस पर एक कोर्ट बिठाया गया जो एजुकेशन बोर्ड का है, और उस कोर्ट में इस बात का फैसला किया गया. अब एक तरफ थी पूरी हिंदू उनकी जो भी संगठनाएं हैं, और एक तरफ थे हम कुछ गिने चुने लोग, जो गिने चुने तो नहीं लेकिन हमारी भी काफ़ी है लेकिन उनके मुकाबले में इतनी ज़्यादा नहीं है. लेकिन जब ये तटस्थ न्यायाधीश ने इस पे फैसला दिया तो ऐसे दिया कि वाकई ये जाति संस्था जो है ये गलत है, ये इसका उदात्तीकरण नहीं हो सकता, और उसको उस टेक्स्ट बुक में से डिलीट किया गया. और मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा कदम, एक बड़ी बड़ी उपलब्धि है. अगर हम भारत में ये सारे पाठ्यक्रमों में देखें तो इन चीज़ों को अभी भी शामिल किया गया है, नए सिरे से बहुत सारी चीज़ें इस तरह की शामिल होती चली जा रही है, लेकिन भारत में इस तरह का कोई आंदोलन नहीं नज़र आता है. क्या आप इंटरनेशनल एक्टिविस्ट जो है वो अपने एक्टिविज्म के जरिए इन लोगों के साथ कोई आपका कम्युनिकेशन होता है जो भारत में एज अम्बेडकराइट काम कर रहे हैं? भारत में तो जो भी होता है वो तो हम तो उस पर नज़र रखते हैं क्योंकि हमें नहीं नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इन लोगों के साथ आपका कोई कम्युनिकेशन बनता है भारत में जो एक्टिविस्ट है, भारत में जो एक्टिविज्म चल रहा है, मतलब ये सारा रिवॉल्यूशनरी मोमेंट जो चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हम इनफैक्ट उनके साथ बहुत मतलब वी वर्क विद देम वेरी क्लोजली, एंड वी हैव स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव जहाँ हम एक कैंप तो नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन एक विचार मंथन शिविर जैसे हर साल भारत में से किसी विचारवंत को बुलाएंगे और पूरे अमेरिका के लोग जितना पॉसिबल हो एक जगह पे आके, तो वो इस साल पहला वैसा होगा मई के महीने में. अच्छा. तो भारत के एक्टिविस्ट लोगों के साथ मिलके काम करना ये तो हमारा मतलब वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वी नीड सम प्रेजेंस हियर आल्सो, हम वहाँ बैठ के तो सब नहीं कर सकते. एक दूसरी बात जो मैं जानना चाह रहा हूँ, जब भी आपने कहा था कि हम स्टूडेंट्स को वहाँ पर बुलवाते हैं, मतलब जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं और फिर जो कुछ करना चाहते हैं, फॉरेन स्टडीज़ लेना चाहते हैं या फिर फॉरेन में जॉब करना चाहते हैं या फिर अपने आप को किसी सेटलमेंट की तरफ या फिर किसी बिल्कुल ऊँचाई की तरफ ले जाना चाहते हैं, इस वक्त में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और विशेष रूप से यूएसए में जो परिस्थितियाँ है, ये पॉलिटिकल चेंजेस के बाद क्या लगता है आपको कि कुछ चैलेंजेस खड़े हुए हैं इस एजुकेशन में और जॉब्स में? चैलेंजेस तो हमेशा ही रहते हैं और अभी भी, जैसे आपने कहा कि ये जो हालात बदले उससे थोड़े और चैलेंजेस बढ़े, लेकिन एक खुशी की बात है कि इन सब चैलेंजेस में आप अगर देखें, गौर कीजिए कि आप अगर आपके काम में काबिल हो, आपकी पढ़ाई में काबिल हो जी, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ये जो बदली हुई हालात है वो भी नहीं रोक सकती. तो बात यह है कि हमें उस मुकाम तक पहुंचना है, हमें अपने कैपेबिलिटीज़ को वहाँ ले जाना है, और उसके लिए हम पूरी सहायता करते हैं. हमारा जो ग्रुप है हम पूरी तरह उसमें जो भी मदद है, हैंड होल्डिंग है शुरू से अंत तक, राइट आफ्टर यू कम टू द US टिल यू ग्रेजुएट, एट एवरी लेवल वी गिव गाइडेंस एंड गिव एनी काइंड ऑफ हेल्प दैट्स रिक्वायर्ड. एक मुद्दा आपकी चर्चा से आया है और वो मुद्दा ये आया है कि हिंदू कम्युनिटी जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में है और बाकी ये जो
मतलब जो जिसको हम आउटकास्ट कहें या फिर जिसको अनटचेबल्स कहें, मतलब अगर भारत के इसमें कहा जाए, या फिर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जो है जो यहाँ से उधर माइग्रेट हुई है, ये कम्युनिटीज इनकी संख्या में कम है ऐसा आपका कहना है, क्या वहाँ भी आप किसी डिस्क्रिमिनेशन को महसूस करते हैं? वहाँ डिस्क्रिमिनेशन क्योंकि वो वहाँ की सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। हाँ, यूनिटी क्यों नहीं है, उसकी कई वजह है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि फिर से मैं फिलोसॉफिकल हो जाऊँगा। हमें वो सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन वैसे तो ओवरटली होता नहीं है, मतलब खुलेआम, लेकिन ये बात तो है कि अभी हिंदुओं का जैसे वहाँ ज़्यादा तादाद में आएंगे, अभी तो बाबा साहब ने कहा था कि वेर एवर हिंदू गोज ही विल टेक द कास्ट सिस्टम विथ हिम और हर, तो वो अभी तक तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन देर इज़ ऑलवेज पॉसिबिलिटी दैट इट। आपको क्या लगता है कि इन सारी परिस्थितियों में जो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ है, जिस वैल्यूज़ के लिए बाबा साहब लड़ते हैं या फिर उनका पूरा जीवन समर्पित करते हैं, उन वैल्यूज़ की रक्षा में क्या आ पाएगा? उन वैल्यूज़ की रक्षा में अमेरिका इज़ अ वेरी व्हाट टू से फेयर कंट्री, इट्स अ कंट्री बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स, बेस्ड ऑन ह्यूमन वैल्यू, तो वहाँ पे वहाँ के सिस्टम को बिगाड़ के वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना इतना आसान नहीं होगा, होना नहीं चाहिए। और जब भी ऐसा होगा, अगर मिस गाइडेंस के ज़रिए, जैसे कैलिफोर्निया टेक्स्ट बुक का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो वहाँ पे हम ज़रूर उसका प्रतिकार करेंगे। और ये संगठन क्या सिर्फ यूएसए के लिए काम कर रहा है आपका संगठन, या फिर सब जगह से इन सब लोगों को जोड़ लेते हैं आप इस काम के लिए? इश्यूज तो लोकल होते हैं, जैसे अभी यूएस में कुछ हो रहा है तो, लेकिन प्रेशर इंटरनेशनल, प्रेशर इंटरनेशनल होता है, और हम जो है वो संगठित है, जैसे AIM जो संस्था है उसके, अच्छा, अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन, उसके काफ़ी सारे देशों में उनके ब्रांचेस है, तो जैसे जावखेड़े का जब हुआ था तब हम सब एक साथ आए थे, तो जब भी एक बड़ा इशू आता है जो लोकलाइज नहीं है बट इट हैज़ अ ग्लोबल अपील, तो उस इशू में तो सब लोग वी जॉइन हैंड्स, लेकिन इफ इशू इज़ लोकल देन इट्स डेल्ट विद एट द लोकल लेवल, बट वी डू, हमारी संगठना है जो हम सब एकजुट है, जैसे कहा कि सोशल मीडिया से और भी जरिए से हम सब कनेक्टेड है। अच्छा, एक दूसरी बात, जैसे कि बाबा साहब को एक ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन माना जाता है, पूरी दुनिया उनको इस लहजे से भी पहचानती है, मतलब एज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट तो पहचानती ही है, लेकिन एक ह्यूमैनिटेरियन और ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन उनको जानती है, आप कैसा सोचते हैं, जो कि आप तो इस माहौल से बाहर है, लेकिन वहाँ भी कुछ अलग तरह के स्ट्रगल्स हैं, कुछ अलग तरह के झगड़े हैं, कुछ अलग तरह के बातें हैं, और वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन है, आपका उसमें क्या इन्वॉल्यूशन जाता है? वहाँ के जो है, मतलब हर सोसाइटी में तो वो तो हर सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, तो हम सीख लेते हैं एक दूसरे से, हम वी बाउंस ऑफ ईच अदर, लेकिन एज फार एज होल्डिंग हैंड्स इज कंसर्न, वी आर आवर स्ट्रगल्स आवर बैटल, दे आर देयर स्ट्रगल्स देयर बैटल, आवर सिंपथीज आर विद ईच अदर, दोनों के कुछ सॉल्यूशंस डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन फिलोसॉफिकली काफ़ी कॉमन ग्राउंड होता है, सो वी डू हैव कॉन्फ्रेंसेज, वी डू हैव सेमिनार सिम्पोजियम्स, एंड वी डू इंटरेक्ट एट दैट लेवल, बट एट द इम्प्लीमेंटेशन लेवल वी हैव टू डिफरेंट पाथ्स टू फॉलो आई गेस। अभी इस समय में पूरी दुनिया जो है एक बड़े ही अजीब दौर से गुजर रही है, इतना टेंशन है पूरे वर्ल्ड में, सीमाओं पर टेंशन्स है, आर्मीज़ में टेंशन है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों की कैसे भूमिका बनती है जो अम्बेडकर एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि ये तो एक पीसफुल वातावरण को तैयार करना, ये भी ये अम्बेडकर एडमिशन का एक काम है। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। दुनिया में यस, देर आर लॉट ऑफ वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, एंड टुडे डिफरेंट वेज विच आर यू नो which may not be applicable to us are coming out. हमारा जो सोल्यूशन है बाबा साहब ने जो दिया है हमको, वो है कि इसको शांति के रास्ते से हमको अचीव करना है, तो our entire intention is you have to struggle, you have to fight, but the fight has to be at the ideological level. आपको सिद्धांतों के जरिए उसको संघर्ष करना है, और एक भगवान बुद्ध की जो शांति का मार्ग है, जो अहिंसा का मार्ग है, शांति से मैं अहिंसा शब्द ज़्यादा यूज़ करूँगा, तो उस मार्ग को अपनाते ही उसको
उस मार्ग के जरिए हमको लेकिन तथागत की ये जो अहिंसा और शांति की जो बात है, इसके साथ एक बात जुड़ जाती है, वो है जस्टिस। जो भी हमारी समस्याएं हैं ये सब का हल बाबा साहब ने अपने लिटरेचर में, उनके जो भी थॉट्स हैं जो उन्होंने भाषणों के जरिए या राइटिंग्स के जरिए, पत्रों के जरिए या पत्रकारिता के जरिए, वो सब लिख चुके हैं। तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उसमें बाबा साहब ने वो एंटिसिपेट ना की हो। वो दृष्टा थे और उन्होंने उस पर हल दिया है या बैकग्राउंड दिया, इनफ गाइडेंस दिया कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो जस्टिस की भी उनका स्ट्रगल देखिए आप, उनकी लड़ाई देखिए। जब महाड़ चौधर तड़ा में फिजिकल वायलेंस की बारी आई, तभी भी उन्होंने संयम दिखाया और कोर्ट के जरिए उन्होंने वो केस जीता। वहाँ पे 5 लोगों को 6 महीने की, मुझे अभी याद नहीं, कुछ लोगों को 6 महीने की हुई, कुछ लोगों को ज़्यादा हुई, कुछ कम हुई, लेकिन उनको सज़ा हुई। तो उन्होंने, वो एक मॉरल विक्ट्री था उनके लिए, क्योंकि वहाँ से आगे चल के उन्होंने जो भी स्ट्रगल किया तो उसी बुनियाद पर किया कि इफ़ यू फॉलो द पाथ ऑफ जस्टिस इन द राइट वे, बिकॉज यू हैव टू बी केपेबल इनफ, यू कैन नॉट जस्ट से जस्टिस एंड इट विल वर्क। बाबा साहब खुद इतने केपेबल थे तो हमको उस केपेबिलिटी के लेवल पे आके जस्टिस को परस्यू करना चाहिए। लेकिन अहिंसा उसका अंग है, जो बाबा साहब का जो स्ट्रगल है पूरा, तो उसमें अहिंसा, उसमें हिंसा कहीं नहीं, हिंसा कहीं नहीं है जी, हिंसा कहीं नहीं है। बाबा साहब को कभी जेल नहीं हुई उनके कारगिल में, मतलब तब जेल जाना बहुत ही फैशन की बात हुआ करती थी उसके, हमारे स्वतंत्र के पहले। लेकिन आप बाबा साहब का करियर देखो, उन्होंने इतने आंदोलन किए, उन्होंने इतना कितने मतलब बुनियादी बदल लाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन ही वॉज नेवर जेल्ड। सो ही ऑलवेज फॉलोड द पाथ ऑफ जस्टिस, पाथ ऑफ पीस, एंड दैट्स द डायरेक्शन वी शुड टेक। एक दूसरी बात जो बिल्कुल चलते चलते अंत में मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये वक्त भी जाता रहा है, आपने कहा कि आप वहाँ जो काम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वहाँ आप बिल्कुल संगठित हैं, चाहे किसी देश में हैं, दूसरे दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में हैं, लेकिन बावजूद इसके आप इकट्ठे हैं, आप संगठित हैं। हम उससे हटकर जब भारत में चले आते हैं तो बहुत सारे विभाजित संगठन देखते हैं, बहुत सारी पार्टियां देखते हैं, बाबा साहब का आदर्श रखकर बहुत सारे विभाजनों में विभाजित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्तर पर संगठन देखते हैं। क्या आपका ये जो कम्युनिकेशन होता है, आप इस पर कभी कोई बातचीत करते हैं? बिल्कुल, ये तो बहुत ही अहम मुद्दा है हमारा। मतलब आज आप किसी से भी पूछो कि वाई इज़ आवर मूवमेंट नॉट गोइंग फॉरवर्ड और इट इज़ वेयर इट इज़, इट्स बिकॉज हमें यूनिटी नहीं है। ये तो बहुत ही मतलब इट्स ऑब्वियस थिंग। तो ये प्रश्न तो सभी को ये करता है, यूनिटी क्यों नहीं है, उसकी कई वजह है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि फिर से मैं फिलोसॉफिकल हो जाऊँगा, हम आज जिस स्थिति में है, जैसे हमारे कई लोगों ने कई तरक्की की है, मतलब वी हैव आईएएस ऑफिसर से लेके बिजनेसमैन, मतलब आर्थिक, शैक्षणिक, आप बोलिए उस क्षेत्र में हम उच्चांक गाट चुके हैं। तो ऐसे हालात में हमें सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर पाए हैं, ये हमारी काबिलियत है या हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ दिया है जिसकी वजह से हम, ये भी चीज़ें हैं लेकिन उनका अहमियत, उनकी अहमियत कम है। पंछी हो, कितना भी सक्षम हो, मजबूत हो, अगर पंख ना हो तो उड़ ही नहीं पाएगा। तो हमें ये सब चीज़ हम कर पाए हैं क्योंकि बाबा साहब ने हमें वो पंख दिए हैं। और हमारा कर्तव्य यह होना चाहिए कि बाबा साहब का जो अधूरा सपना है कि जो पंख हमें मिले वो पूरे समाज को मिलने चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है, खास करके गांव में, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंडिया ये नहीं पहुंचा है, तो हमें वहां तक पहुंचाना चाहिए। और वी हैव टू मेक श्योर दैट हिज ड्रीम कम्स ट्रू। अभी बाबा साहब जब ये लड़ाई लड़ रहे थे वो अकेले एक सक्षम इंसान थे उस वक्त, बाकी तो समाज तभी इतना इमेंसिपेटेड नहीं था, उनका आर्थिक बल खास नहीं था, उनके पास राजनीतिक सत्ता नहीं थी, फिर भी वो इस स्तर तक ले आए। आज हम हमारे हालात देखें तो हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं कई कई डायमेंशन में, और बाबा साहब भी आज हमारे साथ है, उनका वी कैरी हिज थॉट्स, टीचिंग्स, एवरीथिंग, वी हैव इट इन लिटरेचर फॉर्म। सो इफ़ वी अडॉप्ट दोज, इफ़ यू टेक दैट हेरिटेज, आई थिंक वी आर मच मोर बेटर सिचुएटेड नाउ इन अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ टू गो फॉरवर्ड एंड डू मच मोर थिंग्स। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट वी हैव टू जॉइन हैंड्स एंड हैव अ कॉमन, खास करके जो लोग, बट हाउ, ये रियलाइजेशन की लोगों को ये पता चलना चाहिए कि ये आज जो भी एक सक्षम स्थिति में है वो किस वजह से है। एक उनके आत्मा तो हम नहीं मानते, लेकिन एक उनके जमीर को झिंझोड़ना चाहिए कि
व्हाट इज इट दैट ब्रॉट मी टू दिस पॉइंट, और उससे एक कर्तव्य की भावना निर्माण होगी कि यस दिस इज बिकॉज समबडी सैक्रिफाइस सो मच, बाबा साहेब हो, रमाई हो, उस सैक्रिफाइस को लोगों तक पहुंचाना है। लोगों तक सिर्फ ये नहीं बोलना कि बाबा साहेब ग्रेट थे वगैरह, लोग मेरे ख्याल से मानते हैं इन चीज़ों को, लेकिन किसी तो जरिए ये जो न्यूएंसेस है, जो डिटेल्ड बातें हैं, पहुंचा के लोगों को इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि आप पे एक दायित्व बनता है, और वो दायित्व किसी और की तरफ नहीं, खुद की तरफ है, क्योंकि यू आर हेयर बिकॉज ऑफ समबडी एंड दैट समबडीज ड्रीम इज़ येट टू बी फुलफिल्ड एंड यू आर ओनली पार्ट ऑफ अ बिगर सोसाइटी एंड दैट bigger society is not yet fully emancipated and the intention was to emancipate the full society. One person did as best as he could and he brought, you know, so many changes. Now the remaining changes we have to make. Okay, we hope so. What would be your concluding message to our viewers? My concluding message to the viewers would be that if any of you would like to come to the US for higher studies or for education, please do get in touch with us. We have programs which will encourage you to do that, give you enough guidance. And I'll repeat what I just said, that we are here because of Baba Saheb Ambedkar. And whatever we are, we might be at the topmost level of our achievement or we might be in process, but we have to always be driven by the fact that we have to give back, we have to fulfill his dream. हमको उनका सपना पूरा करना चाहिए, हमको वो हमारे एक जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। अपनी निजी ज़रूरतें तो होती ही है, लेकिन उस लक्ष्य की तरफ भी हमें उतना ही ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तो मेरा यही मैसेज होगा। और एकजुट के बारे में आपने बोला था, मैं जानता हूँ वक्त कम हो रहा है, लेकिन मैं उस मुद्दे को टच नहीं कर पाया। एकजुट होने के लिए बाबा साहब ने हमको आखिरी चीज़ अगर कोई दी होगी तो बुद्ध धर्म दिया है। बुद्ध धर्म का उद्देश्य ही था कि हम एक ऐसी फ्रैटर्निटी निर्माण करें धर्म के नाम पे, जो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। बिल्कुल। और वो बदकिस्मती से हुआ नहीं, क्योंकि जो भी वजह होगी उसकी, लेकिन हमें अब इस बात का को सीरियसली लेना चाहिए कि बुद्धम शरणम गच्छामि इज़ नॉट द ओनली बुद्धिज्म दैट वी शुड अडॉप्ट, देयर इज़ अ लॉट बिगर। एक बाबा साहब का भाषण है मुक्ति कोण पथे, 1935-36 में शायद मुंबई में दिया था उन्होंने, वो किताब के रूप में निकला है। मैं सोचता हूँ कि वो सबने पढ़ना चाहिए। उसमें बुद्ध धर्म अपनाने का क्या मकसद है वो उसमें बहुत अच्छी तरह दिया है, कि उसके जो फ़ायदे हैं कि तुम अलग बुद्धिस्ट राष्ट्रों से भी कनेक्ट हो जाओगे, तुम एक ऐसी शक्ति बनाओगे अपने आप में कि तुम्हें दुश्मन कुछ करने के पहले सोचे दोबारा, वो सब नहीं हो पाया है। तो आपके यूनिटी का सवाल का जवाब मैं ये दूंगा कि अगर हम बुद्धिज़्म अपनाते हैं तो उसमें से ईगो है, जो भी है, ये सारी चीज़ें थोड़ी कम हो जाएंगी। हम एक दूसरे को एक इंसानी तौर पे तो कनेक्ट होते हैं, बट एक धर्म बंधु के हिसाब से कनेक्ट होंगे, जो हमारे धर्म गुरु होंगे उनकी एक अलग अहमियत होगी। तो ये सब चीज़ें एक बार प्ले में आ जाएगी तो शायद हम यूनाइट हो पाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। मैं जब बाबा साहब के मूवमेंट को देखता हूँ शुरू से, मतलब बिल्कुल शुरू से जो उन्होंने शुरू किया अंत तक, एक चीज़ मुझे बहुत साफ नज़र आती है कि उन्होंने जो भी कार्य किया वो अपने बल पे किया, अपने ना उन्होंने पॉलिटिकल पावर की तभी ये थी, ना किसी और सोसाइटी ने उनकी हेल्प की, जो भी किया उन्होंने अपने बलबूते पे किया। उससे एक सीख लेता हूँ मैं कि हमें भी जो भी करना है, वी डोंट हैव टू वेट फॉर आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, गेटिंग पॉलिटिकल पावर और एनीथिंग। वी वेयर वी आर, जैसे मैंने पहले कहा था कि वी आर इन अ मच स्ट्रॉन्गर पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ दैन वेयर वी यूज टू बी, वेयर बाबा साहेब स्टार्टेड और वेयर ही लेफ्ट। वी हैव टू डिपेंड ऑन दैट पावर। कहने का मतलब है कि अत्यदीप भव जो है कि मैं खुद ही अपना प्रकाश बनूंगा। तो हमें और किसी का इंतज़ार किए बिना कि सरकार में हमारा ये नहीं हो रहा है, हमें पॉलिटिकल पावर नहीं मिल रहा है, हम इतने सक्षम हैं इस स्टेज में, अगर बाबा साहब के मूवमेंट से प्रेरणा ले तो हम बहुत कुछ उसी के बलबूते पे कर सकते हैं, और वो हमें करना चाहिए। और स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ है जो कभी रुकती नहीं है। बाबा साहब के स्ट्रगल से एक पता चलता है कि यू कैन टेक पॉजेज बट यू कैन नॉट से दैट द स्ट्रगल इज़ कंक्लूडेड। इट्स अ लाइफ लॉन्ग, इट्स अ जनरेशन टू जनरेशन थिंग। तो हमें कभी भी ऐसा कॉम्प्लेसेंसी नहीं लानी चाहिए कि आज मैं इस सुखावस्था में पहुँचा हूँ तो मेरा स्ट्रगल वहाँ पे एक पूर्ण विराम होता है। वैसे कभी नहीं, स्ट्रगल बरकरार है। वो हमेशा स्वल्प विराम के साथ चलता है। स्वल्प विराम के साथ चलता है। बट मुझे आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्रेस दैट पार्ट, दैट इट इज अस हु हैज़ टू डू इट। एंड एज फार एज पॉलिटिकल पावर इज कंसर्न, दिस इज माई लास्ट थिंग आई प्रॉमिस आई एम सेइंग, इज आज हमारा थोड़ा पॉलिटिकल स्थिति इज नॉट दैट इनकरेजिंग,
बट वी हैव टू गो बैक टू हिस्ट्री एंड सी दैट 1957 में जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तब हमारे 9 MLA हमारे ने बाबा साहब के पक्ष के, तभी बाबा साहब ही हैड जस्ट पास्ड अवे, 9 चुन के आए थे। जनसंघ के जो आज का BJP है 2 चुन के आए थे। बाबा साहब का पक्ष वॉज द 4th लार्जेस्ट इन द कंट्री। सो वी हैड बीन इन ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट, समवेयर वी डिट्यूरेटेड, वी हैव टू स्टडी व्हाट हैपेंड, लेकिन वी कैन गेट बैक टू दैट एंड इवन अ बेटर पोजिशन। तो ये पॉलिटिक्स में तो चढ़ उतार होते रहते हैं, लेकिन हमें अपनी वो बदलाव आते रहेंगे, बदलाव स्थितियाँ बदलती रहेगी जी बिल्कुल, लेकिन वी हैव टू यूटिलाइज आवर एग्जिस्टिंग पोटेंशियल, एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ एंड कीप द स्ट्रगल गोइंग ऑन एंड दैट विल यील्ड रिजल्ट्स। उससे पॉलिटिकल सत्ता भी आएगी, सो इट्स अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी विच वन शुड ड्राइव व्हाट। चलिए इसी आशा के साथ आज की इस बातचीत को रोकते हैं। मिलिंद जी आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, और वो जो एक्टिविज्म जो भारत से बाहर चल रहा है और जो अमेरिकन राइट कम्युनिटीज़ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक दूसरे के हाथों में हाथ मिला के कंधे से कंधा लगा कर जो लड़ाई चल रही है ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए और डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए और UN में अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, इन सब के लिए आपने जो हमारे साथ ये शेयरिंग दी इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। यहां पर रुकते हैं मित्रों, बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।